ज्ञान मोति ग्रुप की एक नई प्रस्तुति। जैसे बाप को अपने तीनों रूपों की स्मृति रहती है, स्थापना, पालना और विनाश की, ऐसे ही चलते फिरते तुम भी अपने मास्टर त्रिमूर्ति स्वरूप को याद रखो। स्थापना और विनाश का कर्तव्य याद रहे तो देवता रूप भी स्वतः याद आएगा। एक तरफ नए संस्कारों की रचना करते रहो और साथ साथ पुराने संस्कारों को समाप्त करते रहो। ये दोनों कार्य एक साथ होने से ही सफलता होगी। इन दोनों रूपों की स्मृति को ही फाइनल पुरुषार्थ की स्टेज कहेंगे। फिर बाबा ने कहा, जिसमें अपने को मोल्ड करने की शक्ति है वही रियल गोल्ड है। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को तुम जहां चाहो जब चाहो मोड़ सकते हो, अगर नहीं मोड़ती तो उसको बीमार समझा जाता है, तो ऐसे बुद्धि को भी इतना इजी रूप से मोड़ सके, अब ये परिवर्तन करो। ऐसी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, अभी अभी ब्राह्मण रूप और अभी अभी शक्ति रूप, लेकिन वह तब होगा जब एक सेकंड में देही अभिमानी बनने का अभ्यास होगा। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।